विभाग ने आज बड़वा के नवाघाट खेड़ी स्थित नर्मदा नदी के किनारे पर अवैध रूप से नर्मदा नदी के अवैध तरीके से रेत निकालने का काम और परिवहन चल रहा है, जिस पर आज डिप्टी कलेक्टर प्रभारी तहसीलदार राहुल चौहान ने सुबह बड़वा के नवाघाट खेड़ी से 11 ट्राली ट्रैक्टर मौके पर कार्यवाही कर पकड़ी और बड़वा थाना पर लाया गया। आपको बता दें कि खरगोन जिले की बड़वा तहसील के ग्राम पंचायत नवाघाट खेड़ी पर आए दिन नर्मदा नदी से रेत निकालने यह काला कारोबार विगत कई सालों से रेत माफियाओं के द्वारा बड़वा से नवाघाट खेड़ी सहित अन्य जगहों पर गंगात खेड़ी, सेमला, मुरल्ला के नर्मदा नदी पर अवैध रेत निकालने और परिवहन का कार्य विगत कई सालों से फलफूल रहा है। कहीं दिन तो कहीं रात के अंधेरे में अवैध रूप से रेत का खनन परिवहन जोरों चल रहा है। ऐसा नहीं है कि स्थानीय प्रशासन इन रेत माफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं करता है। इसके बाद भी कार्यवाहियों के बाद भी इन रेत माफियाओं के द्वारा नर्मदा नदी से रेत के काले कारोबार करने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन फिर से अवैध रूप से नर्मदा नदी के रेत का खनन कार्य जोरों से फलफूल रहा है। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। आज क्या कार्रवाई हुई सर? आज नवगढ़ कर नर्मदा किनारे 11 ट्रालियां और 4 ट्रैक्टर को पकड़ा गया है जो अवैध परिवहन कर रहे थे रेत का। अच्छा, मतलब सर 4 ट्रैक्टर 11 ट्रालियां, कुछ समझ में नहीं आया। ट्रैक्टर जो है ट्रालियां मौके पर छोड़ के भाग गए हैं, जिनको जब्त कर लिया गया, थाने में खड़ा कर दिया। अच्छा, तो इन पे क्या दंडात्मक कार्रवाई होगी या राजसात होंगे? अब देखते हैं, इसमें अगर इससे पहले भी अगर कार्रवाई हुई है, इनके दंड हुआ है, तो इनकी राजसात की कार्रवाई होगी जो उचित कलेक्टर साहब उचित समझेंगे। ऐसी जन चर्चा है सर कि आसपास जंगली क्षेत्रों से, वन परिक्षेत्र से भी इस तरह का खनन कार्य अवैध हो रहा है, क्या इस तरफ भी प्रशासन ने कोई ध्यान दिया है? अभी फिलहाल मेरे संज्ञान में चीजें नहीं है, आप बता रहे हैं तो बिल्कुल जांच करेंगे। ये 11 ट्रैक्टरों में किसी के नाम आए सर सामने? अभी फिलहाल नहीं, पंचनामा बना है और जाँच चल रही है किस किस के ट्रैक्टर है, ट्राली है, आगे बढ़े आए हैं इसमें और कोई मौके पर छोड़ के चले गए। अभी भविष्य में भी क्या इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? बिल्कुल, इस प्रकार का अवैध कार्य होगा, अवैध परिवहन होगा, उत्खनन होगा, तो लगातार राजस्व विभाग की तरफ से कार्रवाई की। ठीक सर, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।